और मैं बता रहा था मखाने की खीर खाओ और ये उससे बचने के उपाय भी बता रहा हूँ जी। और आप उपाय बताते रहे स्वामी जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते रहे कि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दरअसल उन लोगों की, उन अभिनेत्रियों की दिखा रहे हैं जिन्हें रोल मॉडल मानती है युवा, इसीलिए वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्दे पर इस तरह का दिखना, इस तरह का करना, वो गलत हो ना हो, वो सारी चीजें अलग बात है, लेकिन जो पर्दे से परे के आरोप इन पर लगे हैं कि आपने क्या ड्रग्स का सेवन किया, क्या इस तरह की पार्टियां हुई हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए न देश के कानून के हिसाब से न अपनी सेहत के हिसाब से। स्वामी जी आप बताएं, क्योंकि लत कभी भी किसी भी चीज की लत होती है, अगर उसे छुड़ाने की बात होती है तो कहते हैं दिमाग में वो शक्ति होती है, दिमाग हमारा कंट्रोल कर सकता है, और यहां पर योग की शक्ति क्या आती है? क्या सचमुच में ऐसे लोग रहे हैं जो ड्रग्स को लेकर, सेलिब्रिटीज भी खासकर, लेकिन आए हो शरण में और उसके बाद ठीक है, बिना नाम बताए अगर आप बता पाए कि शरण में आए, योग की शरण में आए और उसके बाद ठीक हो गए और आज किसी तरह की कोई लत नहीं है, नशा है तो सिर्फ काम का? देखो मैं पोस्त दाना और मखाना दिखा रहा था, इसकी खीर बना के खाओ ना तो नींद अपने आप अच्छी आ जाती है, दिल को शांति मिलती है और ड्रग लेने की इच्छा नहीं होती है। बाकी जो डोडा है, जो अफीम है, ये सब गड़बड़ करती है। और ये सूर्य नमस्कार ऐसे लंबा करें, मैं उन हीरो हीरोइंस को जानता हूँ, आपको पता है कोई मेरे से छिपा नहीं है, नीचे से ऊपर तक एक लंबी फरहिस्ता है, अलग अलग मॉडल से लेकर के, और जो टॉप पुराने और नए, धर्मेंद्र जी से लेकर के, हेमा मालिनी जी से लेकर के, आज के सलमान जी से लेकर के, और तमाम तरह के, चाहे अमिताभ बच्चन जी हैं या जो है अक्षय कुमार जी हैं, सबके साथ में मेरे संबंध है। अब इसमें मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा, सामान्य लोगों से सेलिब्रिटी तक, कल तो मैंने यहाँ पर भी मेरे योग ग्राम में, जहां अभी आप देख रहे हैं निरामय योग ग्राम का एरिया है, यहाँ पर लोग आए हुए, एक रोज मैंने चैन स्मोकर और चैन ड्रिंकर सुबह से शाम तक पीते थे, उनकी मैंने छुड़वाई है, जो लोग सुबह से शाम तक गुटखा मसाले सामान्य नशों से लेकर के और ड्रग एडिक्ट हो गए थे, उनको मैंने सूर्य नमस्कार करवा करके, प्राणायाम और ओंकार ध्यान करा करके, मेडिटेशन करा करके नशों से मुक्त बनाया है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सूर्य नमस्कार करें और जो है बॉडी और माइंड के बैलेंसिंग के लिए कुछ ये पोस्चर्स करें। फिर जो जवान है उनको मैं ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी बताता हूँ, इनको जो अपना लेते हैं ना श्वेता जी, प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं तो साइंटिफिक चीजों में बिलीव करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो कहता हूँ लेकिन बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कहता, और आज तक तो देश का सबसे बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग उसके ऊपर खाली देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, ठीक है टीआरपी तो कभी ऊंची नीची चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता, प्रामाणिकता। तो आज तक के प्रामाणिक चैनल है, मैं प्रामाणिक बात करूंगा, सैकड़ों रिसर्च पेपर हमने योग पर पब्लिश किए हैं, योग करने से आदमी को ड्रग लेने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे धरती का कोई सारा साम्राज्य, कोई सारा साम्राज्य दे मुझे भारत का, या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बना दे भारत का, कि एक बूंद आप नशा ले लो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, मैं नहीं लूंगा। क्यों? मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। तो योग करने से अंदर से वो विचार आता है जो आपको इन चीजों से रोक देता, अपने आप अंदर आत्मा की जो पुकार है ना, ये जो सेल्फ इंस्पिरेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो योग से मिलता है श्वेता जी, इसमें किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये योगाभ्यास ये तो सबको करना चाहिए, एक बार सुबह उठ करके और कुछ नहीं तो दौड़ लगा, लेकिन केवल जिम जाने से। देखो एक्सरसाइज तो मैं भी बताता हूं भाई, ऐसे 25-25 के मैं खुश, ऐसे 100 से लेकर के 500 तक ऐसे ही एक्सरसाइज में करता हूं, 25-25 करके 100 बार, ये 100-100 बार मैं ऐसे करके 500 बार ऐसे करता हूं। लेकिन खाली एक्सरसाइज से बात नहीं बनेगी, खाली जिम से नहीं, जिम के साथ थोड़ा आसन प्राणायाम और ध्यान भी करो, तो फिर गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है योगिक एक्सरसाइज अपनी जगह है, अंतर आत्मा की तरफ भी थोड़ा मुड़ के तो देखो, खाली हम बॉडी नहीं है, इस बॉडी और सेंसेस से परे, माइंड से परे, इन प्राणों से भी परे एक आत्म तत्व है। जैसे हम थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, चाहे इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, जैन दर्शन में बुद्ध दर्शन में विपश्यना बोलो, योग दर्शन में इसको ओंकार ध्यान बोलो,
अपने भीतर की तरफ जरा सा लौटते हैं ना, तो आदमी को फिर सारी दुनिया की ये चकाचौंध, ये कोई जो है गिरावट और फसावट की तरफ दुनिया नहीं लेकर के जा सकती, वो ताकत योग में है। इसलिए थोड़ी देर मेडिटेशन जो कर लेगा वो नशे की तरफ नहीं लौटेगा। ये मेरा हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। श्वेता जी आपने देखे मेरे लाखों लाखों के लोग, करोड़ों करोड़ों लोगों के शिविर है, 10 करोड़ से ज्यादा मेरे शिविर और मेरे शिष्यों के शिविर में मिला के करीब 20 करोड़ लोगों के साथ मैंने सीधा संवाद जोड़ा हुआ है, और उसमें करोड़ों लोगों को मुक्त किया है सब तरह के नशों से।